आज हमारा दिल रो रहा है। इस नगर निगम के अंदर जितना भ्रष्टाचार, ये पानीपत की जनता जो आज तराई तराई कर रही है, एक बुजुर्ग आदमी निगम के अंदर काम करवाने के लिए चार चार चक्कर लगाता है और जब ये 2 लाख का पैकेट और 3 लाख के पैकेट जाते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, लोगों से वोट लिया, हम लोग भी सोच रहे थे कोई बात नहीं, आज सुधर जाएगा, आज सुधर जाएगा, आज सुधर जाएगा। 5 लोगों की आपने कमेटी बनाई थी जिससे ये हो सके कि हम शहर से कैसे टैक्स प्राप्त करें, लेकिन पूरे 1 साल में कोई मीटिंग नहीं, कोई डिस्कस नहीं, कुछ नहीं किया गया कि हम कैसे टैक्स लेंगे। मैडम हमारी बीजेपी की वो बस बिठेगी यहाँ पे सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्यों नहीं एक्शन लेते? किसी फाइल पे ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन बताओ, ये ऑब्जेक्शन नहीं निकलेगी, ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद भी वहाँ फाइल दबा के रखते हैं आपके दिखा। श्री मेयर बैठे हैं, बट साहब आपके ऑफिस में कैसे रो रहा था वो बंदा, 60 साल का आदमी जिसकी आंखों में सांसू निकले, क्या बीत रही होगी उसके ऊपर? भाजी अपना जमीन जगाओ, ये बहुत ओली गुंडा करती है यहाँ पे। शहर के अरबपतियों की प्रॉपर्टी है, अरबपतियों की शहर के, वो आईडी बन गई। मैडम हमारी मेयर ने पता लगाया कि भाई ये आईडी बन गई है यहाँ, तब ये कैंसिल करी। उफ, ये तो हद हो गई। नियम के मुताबिक 1 महीने में होने वाली नगर निगम हाउस की बैठक 6 महीने बाद हुई और पहले बजट पास करने की प्रक्रिया शुरू होते ही बीजेपी निगम पार्षदों ने निगम के सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप ये कि कमिश्नर साहब सब और भ्रष्टाचार है, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी आईडी, सफाई टेंडर, यहाँ तक की विज्ञापन साइट्स में भी घोटाला। एडवर्टाइजमेंट का प्रक्रिया खत्म हुआ जनवरी 2021 में। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 1 साल तक टेंडर की पॉलिसी अब आई है सरकार की, पिछले महीने जो उन्होंने कहा कि हम नई पॉलिसी पूरे हरियाणा की बना रहे हैं, वेट करिए, मान ली उनकी बात उन्होंने। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि निगम के अधिकारियों ने जिसके जिम्मे ये काम था रेंट का, उन्होंने इसका टेंडर जनवरी से पहले क्यों नहीं लगाया कि जनवरी से नया टेंडर वाला है? दरअसल पानीपत निगम प्रशासन हाउस की मीटिंग से पहले 172 करोड़ का बजट पास कराना चाहता था, पर भरे बैठे बीजेपी निगम पार्षदों ने भ्रष्टाचार के चिट्ठे खोलते हुए अपने इस्तीफे देने की धमकी दे दी। 2 बार के निगम पार्षद लोकेश नांगरू तो पहले ही इस्तीफा लिखकर लाए थे। ये जो करनाल के अंदर राजबक्श वाला काम हुआ ना, ये पानीपत के अंदर कई राजबक्श पैदा हुए हैं और जब तक इनके ऊपर नकेल नहीं कसी जाएगी ना, आदमी का स्वाभिमान नहीं बोलेगा कि मेरे को अगर ये काम करना है, मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं तो मेरे को ये काम करना पड़ेगा, केवल मात्र वो पैसे देख के काम करना, ये नियत जब तक नहीं खत्म होगी तब तक ये भला नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि जो भी आप लोगों तो से सिग्नेचर की बात कर रहे हो उसमें चार लोगों की बात की बिल्कुल ठीक बात है, चार लोग ऊपर चला गया, ऊपर से कुछ कंडीशन लग के आ गई, उसके बाद फिर माननीय एसी साहब ने लिख दिया कि कमिश्नर अपने स्तर पे लगाएगा, हमने एक टेंडर क्लोज कर दिया। आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के दिल में कितनी बिगाई थी? आजकल शहर में अपनी सक्रियता और दानवीरता के लिए चर्चित उद्योगपति और कर्मठ बीजेपी निगम पार्षद विजय जैन ने तो दुखी होकर कह दिया, आपने हालात ऐसे बना दिए कि बीजेपी को कोई वोट ही नहीं देगा। बीजेपी पार्षद रविंदर भाटिया ने मंच पर बैठे डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर से ही पूछ लिया, भ्रष्टाचार हो रहा है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोगों को किसने बिठाया है? गौरतलब है कि पानीपत नगर निगम आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। 26 के 26 निगम पार्षद बीजेपी से हैं। इसी वजह से पानीपत ग्रामीण के बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा ने हाउस की मीटिंग में आना ही छोड़ दिया। एक बीजेपी पार्षद ने कान में चुपके से कहा, ये सब इन्हीं के कारण हो रहा है, पानीपत के शहरी बीजेपी विधायक प्रमोद विज के कारण, जो निगम के काम में दखल देते हैं, वो अपना काम करें। यानी पानीपत नगर निगम हाउस की बैठक में आज महाभारत के सभी पात्र दिखाई दिए, ये हो क्या रहा है? पानीपत नगर निगम हाउस की बैठक में आज जो हुआ वो शायद प्रदेश की विधानसभा में भी कभी ना हुआ होगा। अफसरों पर भ्रष्टाचार के चौतरफा आरोप लगे, एक सीनियर पार्षद ने तो दुखी होकर अपना इस्तीफा ही दे दिया और घर लौट गए। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।